अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको आलू चना भाजी बनाना सिखाऊंगी। आलू चना भाजी बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है, ऑयल 1/4 कप, 2 बड़े आलू बॉईल कर लीजिए। आलू को याद रखें बहुत ज़्यादा बॉईल नहीं करना, आपने हल्के से कच्चे रखने हैं। और चने चने बॉईल कर लीजिए 1 बाउल भर के। सब्ज़ मिर्चें 3 से 4 इस तरह काट लीजिए, लंबी इस तरह इस रुख में, ये इस रुख में। और 2 टमाटर बड़े, इनको भी 4 हिस्सों में, 1 टमाटर को 4 हिस्सों में काटना है। लहसुन अदरक का पेस्ट 2 टेबल स्पून भर के। लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, कलवंजी 1 टीस्पून भर के। हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून, ज़ीरा 1 टीस्पून और नमक हंसते जायका। अब हम इसे पकाना शुरू करते हैं। अब एक पैन में हम ऑयल डालेंगे, लहसुन अदरक का पेस्ट, क्वार्टर कप में हमने लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है 2 टेबल स्पून भर के। अभी थोड़ा सा लहसुन अदरक पेस्ट को पकने पर हम इसमें कलवंजी डाल देंगे। याद रहे लहसुन अदरक पेस्ट को बिल्कुल ब्लैक नहीं करना, हल्का सा जब इसका रंग तब्दील होने लगे तो आपने इसमें, ये देखें हल्का सा रंग तब्दील होने लगे, आपने इसमें टमाटर डाल देने। और हरी मिर्च, इसे पकाना है। इसको थोड़ी देर पकने देना है। टमाटर पकने पर आपने टमाटर का छिलका उतार लेना है। टमाटर पकने पर हमने इसका छिलका उतार लेना है। इस तरीके से आपने सारे टमाटरों के छिलके उतार लेने हैं। सारे छिलके उतारने पर अब टमाटर को इस तरह मिक्स होने दीजिए सारा इसमें। थोड़ा सा टमाटर को मज़ीद पकने दें।
टमाटर और लहसुन अदरक ये बन रहा है। अब हम इसमें सारे मसाले डाल देंगे, लाल मिर्च पाउडर, आप इसमें कुटी मिर्च भी डाल सकते हैं, कुटी लाल मिर्च का पाउडर, हल्दी, ज़ीरा और नमक हसबे जायका, जितना आप नमक खाते हैं। अब इसे 5 मिनट तक पकने देंगे ताकि सारे मसाले, टमाटर, लहसुन अदरक, इन सब मसालों का अरोमा निकल आए। पाँच मिनट मसाले को हो गए हैं पकते हुए। अब हम इसमें चने डालेंगे, साथ ही आलू डाल देंगे। इसे हल्का सा मिक्स करने के बाद 2 से 3 मिनट इसे मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसमें 1.5 गिलास पानी का डाल देंगे। अब हम इसे पानी डालने लगे हैं। तकरीबन 1.5 गिलास मैंने इसमें पानी डाला है। अब इसे गाढ़ा होने तक पकने देंगे हम आलू चना भाजी को, गाढ़ा होने तक हम पकने देंगे। आलू चना भाजी तैयार हो गया, इसका जो शोरबा था वो गाढ़ा हो गया। गाढ़ा होकर इसमें आलू कुछ और कुछ इसमें चने भी मिक्स हो गए हैं, बिल्कुल रेडी है। और ये बहुत आसान रेसिपी है, बहुत जल्दी बनती है और बहुत टेस्टी है। ये बिल्कुल ऐसी है जैसे आप बाहर से मंगवाते हैं, बहुत ही इसका अच्छा टेस्ट है। अब हम इसे बाउल में डालते हैं। अब ये मैंने बाउल में डाल दिए, आपके सामने है आलू चना भाजी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत आसान रेसिपी है। और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।